नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार इस वक्त के, इस पल के मज़े ले रहे हैं कि फिर पल वापस नहीं आएगा। एक हम एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है, मुझे ऐसा लगता है। 4 साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम 3, तो ये बोर होने की तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार, बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल है। और सलमान सर खुद आप लोग के लिए यू नो ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। सुबह से इनफैक्ट 3 दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू नो हमने एक हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यूज दे सकते हैं तो ऐसा। और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया, तो हम बहुत ही लाइक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देखिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। क्या बनाऊँ भाई, बना दे कुछ भी बना, मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। नहीं भाई को तुमने इनसे पूछ लिया, भाई क्या वो स्वयंवर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे? भाई को तो पूछो, भाई को जान बनने की भाई। हाँ मैंने पूछा, मैंने ही पूछ लिया ना, तुझे क्या बनना है बता दे, मैं वो बना लेती हूँ। बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही, छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। उसने मुझे एक्शन सिखाया और ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग अमेजिंग करता है एक्शन। और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ, थोड़ा देखता नहीं, शीशे ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं, कैमरे के आगे आ रहे हैं, तो मैं इससे सीखता हूँ। बल्कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपनी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए। आप हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई। तो हम अगर हमें कोई भी यू नो स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना, मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है। तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है, ना कि ऐसा लगता है कि यू नो प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि अभी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से, सेम जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये जो आपको देखने को मिलेगा। मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद अ यू नो लर्निंग प्रोसीजर। तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर, सलमान सर, सबसे सीखा। तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील्ड के लिए। नहीं यार, मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़, नहीं मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी होती है वो। मैं वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी, हमारी की, हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको। बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 16 साल के बच्चे बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे। और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई, तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। और वो दुआएँ बिल्कुल मुझे खुश, बस मैं खुश रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, मैं ऐसे मानता हूँ लोग खुश रहें। लेकिन हाँ, ये फिल्म अब आप बात कर रहे हैं भाईजान की, अब देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें। वो चीज़ हम मैंने की, सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के, भाईजान है सलमान भाई। तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग इस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का। तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूँ और वो लुक में वो किसी को फड़ाना को डाल दें, डिमकाना को डाल दें, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने ही लुक दिया है। समझ रहे हैं आप, एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है। अच्छी से अच्छी फिल्म ख़राब हो सकती है और बुरी से बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा एडिटिंग पर ज़्यादा भरोसा मत करो, अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात पर, शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों को उड़ने दो, हम चलते हैं बढ़ते रहेंगे। फराज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बेस्ट ह्यूमन बींग। और ऑन सेट ऑल्सो हम सबकी बहुत, पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और
अगर हमें कुछ पूछना भी होता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं उनके अंदर उन वो जब कुछ भी नरेट करते हैं ना आप बैठी हो आपको पूरा इतने अच्छे से नरेट करेंगे इतने अच्छे से करके बताएंगे कि आपको लगेगा कि आप वो सीन जी रहे हैं जब वो बताएंगे तो ही इज़ the best and is that one person on set jinko aap aisa hota hai na bahut log khade hain ek ko specially man karta jaake hi bolne ka baat karne ka wo hai he is so jolly in nature and so welcoming ki lagta hai matlab he is such a big director like hi sir you can be like whatever you want man yeah very fun loving fun loving great human